सस्पेंस हैं, दिल्ली राजधानी की घटना है और इतनी बड़ी घटना हो गई है, रोज ऐसी घटनाएं हमको सुनाई देती हैं कि कहीं सड़क टूटी थी, कहीं दीवार गिर गई, कहीं करंट लग गया, कहीं पानी में डूब गया, यही चलता रहता है। गणेश भारद्वाज, दिल्ली में आपकी सरकार है साहब, अब तो नगर पालिका भी आप ही के पास है, जिम्मेदारी है आपकी कि नहीं है? पानी भर जाए तो कोई और जिम्मेदार, पानी नहीं आ रहा तो कोई और जिम्मेदार, यमुना में गंदगी तो जिम्मेदार, नई गंदगी तो जिम्मेदार, कभी आप लोग जिम्मेदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये सुन के थोड़ी बहुत शर्म आ रही कि 3 छात्र मर गए। देखिए नीरज जी, मेरी संवेदनाएं इन मृतकों के परिवार के साथ है और निश्चित तौर पर मुझे भी दुख होता है। मेरी बिटिया भी कोचिंग सेंटर में पढ़ने जा रही जाती है, 3 दिन से मैं भी चिंता में कि कभी भगवान ना करे मेरी बेटी के साथ भी इस तरीके का हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। मुझे भी डर लगता है, मुझे भी दिक्कत है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रतीक ने बताया कि जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी पूरे समाज की है और जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो अपने इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज को चलाने के लिए रिश्वत का खेल खेलते हैं। अफसर कब रिश्वत लेता है? अपनी जिम्मेदारी से मत बचिएगा। हम तो ईमानदारी के साथ कह रहे हैं कि हमारी कमी है एंड यू ऑल्सो हैव टू बेयर दिस। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप खुद मेरे शो में मौजूद थे, आज अभी आए थे हमारे शो में। हमने तो कहा, हम तो आईना देख रहे हैं, आप भी देखो आईना, आप भी तैयार हो ना। हम तो कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं, आप हो, ये बोल रहा हूँ, ये सवाल है वाजपेयी जी का, वो सवाल जवाब दो। प्रतीक जी, मैं निश्चित तौर पर कोई जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, कोई जिम्मेदारी से भाग भी नहीं सकता, क्योंकि जो चीज हुई है निश्चित तौर पर प्रशासन की चूक है, निश्चित तौर पर। और मैं तो कहना चाहता हूँ, बहुत ओपनली कहना चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर एक नेक्सस चल रहा है, एक एजुकेशन माफिया चल रहा है। और जिस एजुकेशन माफिया को आप कह रहे हो 700-500 करोड़ का नहीं, ये कई हजारों करोड़ रुपए का माफिया है। इसको हम माफिया कहेंगे? माफिया की तरह ऑपरेट करें? कर क्या रहे हो आप फिर करें जी, 10 साल से क्या कर रहे हैं आप, किस बात की सरकार आप चला रहे हैं वहां पे? नीरज जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। नीरज जी, मेरे को नहीं, उस पर जल्दी आइए, उस पर इतना टाइम है प्रवचन सुनने का। मुझे नहीं, कोई प्रवचन नहीं दे रहा। प्रवचन दे रहे हैं आप, सुनिए आप क्या प्रवचन दे रहे हैं। जनता सुन के चिढ़ रही होगी कि आप बता रहे हैं समाज की गलती है, जो भ्रष्टाचारी घूस देते उनकी गलती है, अधिकारियों की गलती है, सबकी गलती है। नहीं साहब जी, समाज सरकार चुनती है, सिर्फ उसकी गलती है। नीरज जी, आपका क्या काम बताइए, आप दिल्ली में क्या काम करते हैं? आप जो कह रहे हो मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ कि लोग सरकार किस लिए चुनते हैं? लोग सरकार इसलिए चुनते हैं कि ये सरकार हमारी होगी, हमारे हितों की बात करेगी। लेकिन दिल्ली के अंदर मैं राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आपको भी टारगेट करो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी थी। दिल्ली के लोगों ने किसी एलजी को वोट नहीं दिया था, दिल्ली के लोगों ने किसी चीफ सेक्रेटरी को वोट नहीं दिया था, दिल्ली के लोगों ने किसी होम सेक्रेटरी को वोट नहीं दिया था, दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया था। और केंद्र की सरकार एक कानून लेके आती है, दिल्ली सर्विस बिल, और दिल्ली सर्विस बिल लाके दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां उठा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में दे देती है, चीफ सेक्रेटरी के हाथ में दे देती है। आज सौरभ भारद्वाज हमारे मंत्री है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 16 फरवरी से, लगातार लिख रहे थे चीफ सेक्रेटरी को, लगातार लिख रहे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है गणेश भारद्वाज, ये बहुत ही दुखद, त्रासद और बहुत ही अजीब है। मैं बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता नीरज जी, लेकिन अगर इतनी ही पंगु सरकार है तो सर इस्तीफा दे दीजिए। क्यों चला रहे सरकार जहां कुछ कर नहीं पा रहे 10 साल से? मैं यही सुन रहा हूँ, अभी जाऊंगा सिद्धार्थ के पास, 10 साल से ही सुन रहा हूँ, मुझे काम नहीं करने दिया जाता, मेरे सारे कानून बदल दिए गए, सब कुछ एलजी के हाथ में है। तो भाई साहब आप क्यों चुनाव लड़ते फिर, बंद करिए। नीरज जी सच है, आप, मैं और प्रतीक जी गवाह हैं। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सारे राइट होने चाहिए। 5 दिन में ऑर्डिनेंस लेके आ गए, उसके बाद फिर कानून लेके आ गए। आज दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के होम सेक्रेटरी, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी, मंत्रियों की नहीं सुन रहे। मंत्री आपके सामने मीटिंग में कह रहे हैं कि सिल्ट के नाम पे करप्शन हो रहा है, सिल्ट नहीं निकाली जा रही। वो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को कह रहे हैं मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कहते हैं मैं जाऊंगा। गणेश भारद्वाज सुनिए ना, वो अध्यादेश हमने भी पढ़ा है, ठीक है? तो आप उसको, जनता को ऐसे मोटी मोटी बातें करके बरगलाइए मत। नहीं नहीं, ये सच है, इसको इसको वो जहां जो अधिकारी है, जल बोर्ड है, ये सब क्या काम करते हैं, मुझे ये जानना है वो क्या काम करते हैं दिन भर, उनका क्या काम है?
एमसीडी में शैली चोपड़ा जी जो है, शैली ओबराय, वो क्या काम करती है मुझे ये बताइए, काम क्या है उनका? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर एमसीडी के एक एक्ट अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने। एमसीडी में जो पहले मेयर के पास सारी शक्ति होती थी, सारी शक्ति उठा के कमिश्नर पर दे दी, और कमिश्नर कौन है, कमिश्नर एलजी साहब का राइट हैंड आदमी है नरेश कुमार पहली भाई। यार ये तो गजब कर रहे हैं यार, ये भारद्वाज जी, ये पहली चाय पीने के लिए वहां बने हैं क्या पार्षद मंत्री? ये पहली घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक कोचिंग जो मुखर्जी नगर में थी उसमें आग लगी, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश है, ठीक है, फायर डिपार्टमेंट से एनओसी आता है। अब इसमें मुझे बताइए कि इंक्वायरी सिस्टम कहां, कौन सी चीज लैक हो रही है मुझे बताइए ना। एनओसी तो फायर डिपार्टमेंट से है ना प्रतीक जी। हाई कोर्ट ने क्या कहा ये मुझे बताइए आप, हाई कोर्ट ने क्या कहा आज आप बताइए, हाई कोर्ट ने क्या कहा? प्रतीक जी मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो दोषी है, जो कल्पित है, सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ कनाट प्लेस के चौराहे पे खड़े होकर फांसी लगा दो, हम किसी अफसर की बात एक मिनट सुनो घरेंद्र जी, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये यही मैंने बताया था ना, ये शो में फिर ब्लेम गेम होगा। अब से पहले जब पराली जलती थी, अरे सुनो ना भाई घरेंद्र जी, आपकी सब बातें सुनने के लिए वो लोग माँ बाप नहीं बैठे हुए हैं। पराली जलती थी, पोल्यूशन होता था, तब पंजाब सरकार दोषी होती थी, अब पंजाब में आपकी सरकार तो कौन दोषी है फिर? ये बहाने बनाना बंद करिए आप लोग, पब्लिक को आप लोगों ने बेवकूफ बना रखा है पूरे दिल्ली को। जब कुछ हो जाए तो मेरी गलती नहीं, दूसरी गलती है। अभी रुकिए सिद्धार्थ यादव, 10 सेकंड नहीं, अभी कोई 10 सेकंड नहीं सर, सिद्धार्थ यादव के पास जाते हैं। दिल्ली सरकार में एलजी के पास, नीरज जी अरे सुनो, सवाल तो सुन लो भाई सिद्धार्थ जी, ऐसे क्या बोलोगे आप, प्रवचन नहीं चाहिए मेरे किसी का भी। दिल्ली में प्रशासन आप लोग चला रहे हैं, एलजी आपके सुन नहीं रहे किसी की, बता रहे हैं सामने बैठ के, पुलिस आपके पास है, क्या कर रहे हैं आप लोग वहां पे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है सब, दिल्ली सरकार अभी एमसीडी हार गए तो अब ये देखें जनता किसके पास जाए, सिद्धार्थ यादव के पास जाए, घनेन्द्र यादव के पास जाए, कि प्रतीक जी से रोज कनॉट प्लेस में बैठ के अपना निर्णय कराए? मैं जवाब दूं नीरज जी, बोलिए।